हेलो ब्रिगॉन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, रेलवे की तरफ से आ चुकी है एक और नई सीधी भर्ती, जिसके बारे में इस वीडियो में आपको ए टू जेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। वेस्टर्न रेलवे की तरफ से न्यू वैकेंसी के नोटिफिकेशन आ चुके हैं और आवेदन करने के लिए लिंक भी एक्टिवेट कर दिए गए हैं। आप सभी आने वाली 22 अक्टूबर 2024 तक घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आप लोग कक्षा 10वीं पास हैं और अभी तक आपके पास किसी भी तरह की प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो आप सभी इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर से देखिएगा। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम की लगे, तो इस वीडियो को एक लाइक करने के बाद आगे आने वाली वीडियो की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए आते हैं मेन टॉपिक पर। आप लोग यहां पर देख सकते हैं, इस वीडियो में आपको रेलवे की तरफ से आई हुई नई भर्ती के बारे में जानकारी मिलेगी, जहां पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी या फिर कुल पदों की बात करें तो 5066 है, यानी 5000 से भी ज़्यादा पदों पर इस बार आपको आवेदन करने का मौका मिलेगा। इस वैकेंसी की सबसे अच्छी खास बात ये कि बिना किसी एग्ज़ाम यानी केवल और केवल मेरिट के आधार पर आप सभी का चयन होगा। अगर आपकी उम्र कम से कम 15 और अधिक से अधिक 29 साल के बीच में है, तो आप लोग एलिजिबल हैं आवेदन करने के लिए। ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ मेल एंड फीमेल दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। वीडियो को स्किप मत करिएगा। आइए चलते हैं आज के अपने मेन टॉपिक ऑफिशियल वेबसाइट प्लस नोटिफिकेशन पर। तो दोस्तों, आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया गया, क्लिक करके आप लोग इस पेज पे आ सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहला काम करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर से ज्वाइन करना है। यहाँ पे देखें, NWR यानी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से आपकी रिक्वायरमेंट है 2024 के लिए। अधिक जानकारी के लिए गूगल सर्च करेंगे naukrikhabar.com, आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। इसके अलावा आपके लिए नई वेबसाइट बनाई गई है sarkarijob.net। अगर अभी तक विजिट नहीं किया तो एक बार गूगल पर जाकर जरूर टाइप करें सरकारी जॉब, उसके बाद .net, आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो आवेदन 23 सितंबर 2024 से ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, जिसकी आखिरी डेट आने वाली 22 अक्टूबर 2024 की है। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी है, जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जनरल OBC EWS का लगेगा मात्र 100 रुपीज़। और इसके अलावा जितने भी कैंडिडेट हैं, जैसे ST, SC, PH, चाहे किसी भी स्टेट से आते हों, चाहे किसी भी कम्युनिटी कास्ट से आते हों, आप लोग बिल्कुल फ्री में आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपकी एज है, जो कि कम से कम 15 साल है, और अधिक से अधिक यहाँ पे 29 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं छूट के साथ में, जो कि बेसिक सा है OBC के लिए 3 साल का और SC ST के लिए 5 साल का। इसके बाद हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में। तो कुल पदों के बारे में बात करें तो 5066 पदों पर आपको भर्तियों के नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे, जहां पे आपको अप्रेंटिस के पदों पर भर्तियां मिलेंगी। 10th पास आउट हैं, एलिजिबल हैं। अदर क्वालिफिकेशन के बारे में आगे बात करेंगे। ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, मेल फीमेल दोनों यहाँ पर इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टुडे टॉप जॉब लिस्ट के बारे में। तो आज की नई नौकरियों की जानकारी को ऐड कर दिया गया है अपने अपने क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, या फिर आप लोग जिस भी डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं उस डिपार्टमेंट के बेसिस पे जॉब्स की जानकारी ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्लिकर के बटन पर क्लिक करना है, जानकारी को देखना है और एलिजिबल और इंटरेस्टेड होने पर आवेदन करना है। स्टाइपेंड या फिर सैलरी आपको क्या मिलेगी, इसके बारे में आगे बात करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो मेरिट के बेसिस पे आपका चयन होगा बिना किसी एग्ज़ाम के, साथ ही साथ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाना होगा। यहाँ पे आपको दो लिंक्स मिलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। पहला तो यहाँ पे अप्लाई का लिंक मिलता है, अप्लाई ऑनलाइन का, और दूसरा यहाँ पे आपको डाउनलोड नोटिफिकेशन का लिंक मिलता है। अभी के लिए आप अप्लाई ऑनलाइन की बटन पर अगर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक नया पेज ओपन हो जाता है, RRC यानी रेलवे
रिक्वायरमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे का, और यहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए बोला गया, साथ ही साथ आपको न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप क्लिक करके जो है तो अपना न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। इसके अलावा आपको आगे बताएंगे नोटिफिकेशन कैसे देखना है। फिलहाल के लिए अभी हम बैक करते हैं, और यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है डाउनलोड नोटिफिकेशन के सामने क्लिक करके एक बटन मिल रही है, आपको इस पर एक बार क्लिक करना होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास डाउनलोड का ऑप्शन आएगा और अपने पीडीएफ को हम नोटिफिकेशन के माध्यम से ओपन कर लेंगे। अभी आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास एक कंप्लीट नोटिफिकेशन आ चुका है। अब इसको आप लोग देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और वेस्टर्न रेलवे की तरफ से ये पीडीएफ है, या फिर यूँ कहें कि ये नोटिफिकेशन है। इसके बाद नोटिफिकेशन का नंबर है, और जो डेट्स यहाँ पर दी गई हैं वो 23 सितंबर सुबह 11 बजे से लेकर के 22 अक्टूबर शाम के 5 बजे तक की हैं। तो इसी बीच आपको आवेदन करना है। इसके बाद यहाँ से नीचे आते हैं तो कुल जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो यहाँ पे बताई गई है, 5066 पदों पर 24 और 25 के लिए ये भर्तियाँ हैं। इसके लिए कम से कम आपकी जो उम्र है वो 15 साल की, और अधिक से अधिक जो आपकी उम्र है वो 24 साल की, लेकिन यहाँ पे आपको 5 सालों का छूट मिल रहा, तो इस हिसाब से 29 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। और जो यहाँ पे PWD यानी पर्सन विथ डिसेबिलिटी हैं वो 10 साल की उम्र तक का एज में रिलैक्सेशन यानी छूट ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि आपकी एज क्या होनी चाहिए आवेदन करने के लिए, तो यहाँ पे स्टार्टिंग एज और आखिरी की एज दी गई है, आप लोग इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपका एसएनटीएल क्वालिफिकेशन है जो कब तक कंप्लीट होना चाहिए और क्या होना चाहिए। इस लाइन पे अगर फोकस करते हैं तो यहाँ पे देखिए, मैट्रिकुलेट और 10th क्लास यानी 10वीं पास होने चाहिए 10+2 एग्जामिनेशन स्कीम के अंतर्गत, और कम से कम 50% कक्षा 10वीं में आपके होने चाहिए। टेक्निकल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं और उनके ट्रेड्स भी यहाँ पे बताए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे आते हैं तो आपको अप्लीकेशन फ़ी, हाउ टू अप्लाई, या फिर यहाँ पे आपको कैसे कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना उसके बारे में जानकारी है। जितने भी जनरल OBC और EWS के कैंडिडेट हैं उनके लिए 100 रुपये की फ़ीस है जो कि नॉन रिफंडेबल है। बाकी कैंडिडेट्स यानी बचे हुए जो कैंडिडेट हैं SC ST महिला कैंडिडेट, PWD कैंडिडेट, उनके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगी। उसके बाद यहाँ पे आपका मेडिकल फिटनेस है, फिजिकल फिटनेस है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो मोड ऑफ सिलेक्शन वो भी दिया गया। एक बात पे फोकस करेंगे एक लाइन पे, इस लाइन पे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, देयर विल बी नो रिटर्न टेस्ट और वाइवा, यानी यहाँ पे आपका किसी भी तरह का कोई भी रिटर्न टेस्ट या फिर वाइवा नहीं होने वाला, यानी इंटरव्यू नहीं होने वाला। केवल और केवल डायरेक्ट ऑटोमेटिक जनरेटेड मेरिट के बेसिस पे चयन होगा। अगर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं तो देख लीजिए कि साफ साफ दिया गया कि मेरिट लिस्ट के आधार पर आप सभी का सिलेक्शन होने वाला है। इसके बाद यहाँ पे और भी कई सारी जानकारी हैं, जैसे स्टाइपेंड आपका क्या रहेगा, ट्रेनिंग पीरियड कितने सालों का है, मोड ऑफ एप्लीकेशन कैसे आप लोग आवेदन करेंगे। इसके लिए आपको एक बार नोटिफिकेशन पे आना होगा, डाउनलोड करने का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है, और आवेदन करने का वीडियो देखना है तो इस वीडियो के लिए 200 लाइक का टारगेट है, कंप्लीट करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।